जबरदस्ती आपने बुरखा पहना है, जबरदस्ती आ गई, क्या जबरदस्ती करी है किसी ने? नहीं, किसी ने कोई जबरदस्ती नहीं करी, मैंने दिल से किया है, जो भी कुछ किया दिल से किया है, इसी में कामयाबी है और इसी में ही इज्जत है। ये मिर्चें, ये आ गई मिर्चें, इसमें हम भरेंगे आलू का मसाला। ये देखिए हमारी दाल जो है पक चुकी है बिल्कुल ही। सबसे पहले इसके अंदर टमाटर डालेंगे, हरी मिर्चें, हरी मिर्चें, लहसुन। ये आ गई इमली। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद रोजा से आपकी मुलाकात होगी। वो बना रही है आलू भरी मिर्चें और हरी चटनी। खुशामदी, कैसे आप लोग? उम्मीद करते ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज अरूसा और मैं अपने घर में मौजूद हैं और माशाल्लाह आज अपने घर में हम लोग कुकिंग करने जा रहे हैं। मैं बना रही हूँ मजेदार फ्राई दाल, मतलब मसाला भून के दाल बना रही हूँ। एक दाल दूसरी बनाई थी वो कुछ और टाइप की थी। और यूसुफ सलाम करे सबको। और अरूसा, और अरूसा बनाएंगी भुड़ते वाली मिर्चें, बहुत मजेदार बनती है इसके साथ दाल के साथ, बड़ा मजा आएगा। ग्रीन चटनी भी बनाना सिखाएंगी और दाल मिर्चें भी बनाना सिखाएंगी और मैं बनाऊंगी दाल। तो हाँ, आज हम दोनों मिलकर करेंगे कुकिंग। तो आप लोगों ने हमारा वेट करना है, इंतजार करना है किस तरह तैयार करेंगे। और साथ साथ मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने कहा था कि जबरदस्ती आपने बुरखा पहना है, जबरदस्ती आ गई, क्या जबरदस्ती करी है किसी ने? नहीं, किसी ने कोई जबरदस्ती नहीं करी, मैंने दिल से किया है, जो भी कुछ किया दिल से किया है, इसी में कामयाबी है और इसी में ही इज्जत है। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे चुना, नेक हिदायत दी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, परवरदिगार का, अल्लाह सबको हिदायत दे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग बनाऊंगी इंशाल्लाह कि मैंने क्यों अपने आप को तब्दील किया, मैं कैसे जो है अपने आप को मैंने चेंज कर दिया अपने अंदर, अपने ये चीजें अबाया पहनकर और अबाया पहना और जो है क्या नाम है अल्लाह रसूल की बातें और ये सब चीजें जो है मैं आपसे शेयर करूंगी कि मैंने अपने आप को चेंज किया, क्यों किया, किस वजह से किया। और सबको होना चाहिए, अल्लाह सबको हिदायत दे। तो चलते हैं अपने प्यारे से किचन में और बनाते हैं मजेदार फ्राई दाल और के साथ भुड़ते वाली मिर्चें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हम घी डाल देते हैं। ये मसाला भुनी हुई दाल है, ठीक है। एक कप के जितना घी डाल दिया हमने। अच्छा जी, सबसे पहले हमने क्या डाल दिए इसके अंदर? प्याज, एक अदद प्याज, मूंग मसूर की दाल है, ये मसाला भुनी हुई, सही है। ये इसके अंदर हमने प्याज डाल दी, प्याज को फ्राई करेंगे, तेज आंच कर देंगे। प्याज डालने के बाद चना डालेंगे, टमाटर, कुटी मिर्चे, लहसुन और हल्दी, और दाल डाल के पानी डाल के पकने देंगे। तो नेक्स्ट रेसिपी हम सब बताएंगी हरी चटनी और मिर्चे आलू भरी वाली। प्याज थोड़ी ब्राउन हो जाए इसके अंदर ये सब चीजें डाल देंगे। प्याज को देख के मुझे याद आ रहा है, थोड़ी थोड़ी सी प्याज डालो, थोड़ा थोड़ा की चमचे से इसको हिलाते जाओ जी। अच्छा जी, अब बारी है इसमें लहसुन डालने की। ये लहसुन गए, तीन जवे लहसुन बड़े वाले, ये लहसुन चले गए। अब बारी है इसके अंदर टमाटर डालने की, टमाटर और ये सारा मसाला, मिर्चे, हल्दी सब डाल, पानी डाले इसके अंदर। टमाटर और पानी, छोटी मिर्चे, लहसुन सब चला गया इसके अंदर। अब डालेंगे इसके अंदर हम दाल। ये आ गई हमारी दाल। दाल हफ्ते में एक बार खाए, कभी वो उठने का दर्द नहीं होता। दाल ये देखें, ये आ गई मूंग मसूर की दाल। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह की कितनी सारी नेमतों में शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला तीन टाइम की रोटी दे इज्जत की और सजदों की तौफीक दे, आमीन इलाही आमीन। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिल वअतूबु इलैह। जब भी आप खामोश बैठे हो या कोई काम कर रहे हो, आप अस्तग़फिरुल्लाह का बोलते, आपकी कामयाबी यही है। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिल वअतूबु इलैह। ये हमने पानी डाल दिया इसके अंदर और ये दाल हमारी जो बची हुई दाल है ये इसके अंदर डाल दी। और इसको आपने खूब पकाना है, खूब पका के गिलाना है, खूब पकाना है। जितना आप ज्यादा पकाएंगे उतनी दाल आपकी बहुत अच्छी बनती है। अब आप ढेरों में दाल देखते ना कैसी होती गरीबी, तो इसी तरह आपने दाल को खूब पकाना है, खूब गलाना है। स्माइल भी आ रहा है, स्माइल सलाम करें सबको। अस्सलाम, ये लो पानी भरो। जी जी,
अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन वातूब इलैह। और इसके अंदर पानी डाल के और इसको ढक देंगे और उसको पकाएंगे। नमक अभी नहीं डालना, नमक आखिर में डालना, वरना दाल आपकी हो जाएगी, सब टमाटर वमाटर सब भूल जाएंगे, देखना इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह ये आ गए, सही है। अब हम पानी डाल के अब इसको दाल को पकाएंगे, सही है। ढक देते हैं, हल्की आंच करते हैं, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, उसके बाद रूसा से आपकी मुलाकात होगी। वो बना रही है आलू हरी मिर्चे और हरी चटनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ माशाल्लाह आलू बॉईल हो रहे हैं भुर्ते के लिए और अरूसा बना रही है चटनी। अरूसा सबसे पहले इसके अंदर टमाटर डालेगा। क्या डालेगा? टमाटर। टमाटर, हाँ सही है, ये टमाटर डाल दिया। और हरी मिर्चे, हरी मिर्चे, लहसुन, एक लहसुन का जवा, एक हरी मिर्चे की दाल, चावल, धनिया और जो है ना हरी मिर्चे, बस हरा धनिया, हरी मिर्चे और टमाटर, लहसुन और इमली का पेस्ट। इमली का पेस्ट डालेगा। ये आ गई इमली जो रूसा ने भिगोई थी। ये बन रही मजेदार चटनी रूसा के स्टाइल में। और जीरा डालेगा और नमक डालेगा। जीरा और नमक, नमक नमक के बाद आ जाएगा जीरा। जीरा बर्तन तो ऐसे जमा होते हैं जैसे पता नहीं क्या, अभी धोए थे इनके। ये आ गया है जीरा। चले जी अभी ग्राइंड करते हैं रूसा, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं फाइनल लुक इसका चटनी का। अल्लाह माशाल्लाह चटनी तैयार हो गई है, दाल चावल के साथ खाएंगे, यमी यमी सी। वाह ये दिखाया, दिखाओ, वाह कितनी मजेदार चटनी बनी है। अच्छा इसके बाद अब क्या करोगी तुम? भुर्ते वाली मिर्चे, माशाल्लाह। चले जरूर इसके बाद बनाएंगे भुर्ते वाली मिर्चे। भाई अब बारी है हमारी पकौड़ो वाली मिर्चे, आलू भरी मिर्चे। यहाँ आलू और उसने मैश कर लिए, इसमें क्या डाल रही है? सोया सॉस। सोया सॉस डाल दो। कितना डालोगी? अच्छा ठीक है जी, चीजी सॉस, चीजी सॉस डाल देंगे हम। सही है। अब कुटी हुई लाल मिर्चे और नमक, कुटी हुई लाल मिर्चे ये जी। चलो ये आ गई कुटी हुई लाल मिर्चे और नमक का डब्बा पीछे रखा हुआ है। ये ना इसका बारबेक्यू का, बारबेक्यू मसाला ये भी डाल दिया थोड़ा सा, टेस्ट के मुताबिक। नमक थोड़ा सा नमक डाल देंगे। ये आ गया नमक, थोड़ा डाल दें नमक क्योंकि उसमें मसाले में भी नमक होता है, सोया सॉस में भी नमक होता है। अब इसको क्या कर लेंगे? मिक्स करेंगे। अब क्या करेंगे? इसको मिक्स कर लेंगे, इन सबको मिक्स करके फिर हम मिर्चों में भरेंगे। बड़ी वाली मिर्चें मंगवाई है पकौड़ों वाली, उसके अंदर ये डाल के ना ये भर देंगे और फिर फ्राई करेंगे और दाल के साथ खाएंगे, दाल रोटी और चटनी इंशाल्लाह। दाल हमारी जो है ऑलमोस्ट जो है रेडी हो गई है, ये देख सकते हैं दाल हमारी बिल्कुल पक चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये रही मिर्चें, ये आ गई मिर्चें, इसमें हम भरेंगे आलू का मसाला। ये देखें हमारी दाल जो है पक चुकी है बिल्कुल ही, इसकी कुटाई लगाएंगे। ये आ गई मिर्चें, चाहिए जी इसको, मिर्चों को ये भर देंगे, बगाड़ देने लगेगा ना दाल में। आप दाल लगा जीरे का, जीरे का, जीरा तेज का पाके लगा दो। हाँ अच्छा, आखिर में ये दाल को कुटाई लगा के पानी छोड़ के जीरे का बगाड़ लगा देंगे। ये देखें इस तरह की जो है ना मजे की लगती, ज्यादा ये घरों में अच्छी अच्छी लगती है। चले जी अरूसा सारी मिर्चों को फिल करती हैं और यहाँ मैं दाल को भुनाई करती हूँ, दाल की कुटाई लगाती हूँ। ये देख सकते हैं मेरी दाल माशाल्लाह हो गई है, अब इसकी कुटाई लगाते हैं, लेते छोटा सा ब्रेक, उसके बाद मिलते हैं मिर्चे फ्राई के साथ। अच्छा जी भाई यहाँ पे बगाड़ लग रहा है और ये देखें मिर्चे अरूसा ने सारी आलू से भर दी है और ये जी मिर्चे जो हम बगाड़ में डालेंगे। चलो अरूसा बगाड़ लगाओ, मिर्चे डालो फ्राई पैन में। ये आ गई मिर्चे, अब आ गए जीरे डालो, मिर्चे और जीरे का बगाड़ लगेगा दाल में।
हाँ ये रहा बनकर सब बन गए बनाते दाल में बगाड़ लग रहा है और आया था चाट मसाला फिर आखिर में दाल के अंदर ये देखिए ये माशाल्लाह दाल का कलर चेक करें उसकी अच्छी दाल हमारी पक गई है और ये रहा बगाड़ चलो जी बगाड़ लगा दो उसका चलिए अब दाल को हल्का करते हैं और वहां पे चलती है मिर्चे फ्राई आलू वाली मिर्चे फ्राई करते हैं। चले जी यहाँ पर थोड़ी भूसा आलू वाली मिर्चे एक एक करके भूसा आलू वाली मिर्चे भर देगी सारे माशाल्लाह ये देखे माशाल्लाह आलू वाली मिर्चे एक एक करके उसने रख दी सारी बड़ा मजा आने वाला है उसका है देखो बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह। बहन बहन होती है माशाल्लाह भाई अल्लाह इसका नसीब अच्छा करेगी। देखे सारे बच्चे हमें रख दी फ्राई होने के लिए दाल हमारी रेडी हो गई है चटनी हमारी रेडी हो गई सलाद बनाएंगे और मिलते हैं फिर दस्तखान पे आपको इंशाल्लाह। मिर्च फ्राई होने के बाद दस्तखान पे मिलते हैं सही है थोड़ा सा वेट करें दस्तखान पे मिलते हैं सही है सब बोलते दस्तखान पे दस्तखान पे मिलते हैं। भाई हम लोग यहाँ पे खाना लगाने वाले थे और मैं बाहर गई हुई थी तो खाना अभी मैं घर पर आई हूँ तो देखा मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे फैन आए हुए। भाई कहाँ से आए हो बताओ? पाकिस्तान से आए। और ये मैं मलीर से आई। ये बच्ची ना ये मेरी काफी फैन है ये जो है ना ये बैठी हुई ये आई है मुझसे मिलने और कल भी ये लोग आए हुए थे मैं गई हुई थी नानी के यहाँ मैं नहीं मिल पाई सो सॉरी बेटा लेकिन आज मिल लेंगे आपसे। और कैसी हो ठीक हो खैरियत से हो? और अभी आपको पता है मैं अभी अभी आके बैठी हूँ और आप आ गई हैं अभी कुछ बात नहीं कर रही वरना मेरी फैन है भाई ये बहुत बड़ी फैन है मलीर से आई है पाकिस्तान चौक से आई है और पैदल आए हैं ये लोग मेरे से मिलने के लिए। और भाई मैं तो सबसे मिलती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पे जो भी घर पे कोई आता है मैं इससे जरूर मिलती हूँ और अल्लाह पाक इनको खुश रखे बात रखे। देखते रहते हो ना सब लोग छोटी ब्लॉग बहुत शौक से सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है कौन अच्छा लगता है ब्लॉग में मैं अच्छी लगती हूँ। थैंक यू सो मच बेटा चले भाई अभी इनसे बातें करते हैं इसके बाद आपसे मिलते हैं। ये देखे माशाल्लाह दाल आलू का भुर्ता इस्माइल ये रहे अरुषा ये रहे कबीर ये रहे अरुषा ये रही और ये आगे दाल ये आगे चटनी आप भाई खा के बताओ कैसा अरुषा पहले तो तुम बताओ तुम टेस्ट करो ये लो रोटी रोटी में ज्यादा ले ली क्योंकि सुबह तलने में भी काम आ जाएगी। कैसी बनी है दाल इधर तो मुंह करो अच्छी है अच्छी है मिर्चे तो खाओ चलिए मैं भी खाती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि व आला बरकतिल्लाह ये रही मिर्चियाँ कभी देखा बताएगा यूसुफ कैसा नाजिम अल्हम्दुलिल्लाह आज का खाना मारा था दाल चटनी आलू बड़ी मिर्चे पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और इस रेसिपी को ज़्यादा ट्राई भी करना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा मुझे इजाज़त दुआ में याद रखिएगा मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए देखते रहिए स्नोबर छोटी बिल्ला।